सर आपका कैमरा आ रहा है इसमें। मार्केट में एक प्रॉब्लम ये है कि सैफरॉन नकली बहुत ज़्यादा मिलता है, और याद रखिए कि ये जो सैफरॉन है बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज होते हैं, हेल्थ बेनिफिट होते हैं, और कुछ जो जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो खाते हैं इसलिए कि हमें इसके बेनिफिट्स के लिए, लेकिन बेनिफिट्स के रिटर्न उनको मिलता है केमिकल कुछ जो उनकी बॉडी के तरीके। तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि आप आम व्यक्ति किस तरह से मार्केट में ओरिजिनल और डुप्लीकेट सैफरॉन की डिफ्रेंशिएट कर सके। है तो इसका केमिकल एनालाइज, लेकिन हर किसी के साथ केमिकल्स नहीं होते हैं टेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं साधारण सा पानी लेके आता हूँ 2 ग्लास में, राइट। तो ये ओरिजिनल सैफरॉन की हम 2 पत्तियाँ से डालेंगे, ठीक है, और डुप्लीकेट सैफरॉन की हम इसी तरह 2 पत्तियाँ डालेंगे। ये सैफरॉन हमें भी कहाँ पे मिला है, किसी मस्जिद के बाहर कोई बेच रहा था ये सैफरॉन, ठीक है। ये ज़्यादातर उन जगहों पे होता है जहाँ पे आप देखेंगे कि उनकी सील नहीं अच्छी से होगी, एफ एस ए कोड नहीं होगा, अच्छी कंपनी ब्रांडेड नहीं होगी, ठीक है। लोकली कुछ स्टिकर छपा के लगा देते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और उस जगह पे जहाँ से मुड़ के वापस नहीं देखेंगे आएंगे उनको मिलने के लिए, उन जगहों पे ये सैफरॉन डुप्लीकेट ज़्यादातर मिलता है। इवन ये मार्केट के शॉप्स में भी अवेलेबल बहुत है ये चीज़, राइट। तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहेंगे, आम व्यक्ति के लिए डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें से हम 1 पत्ती उठाएंगे, इसको रब करेंगे वाइट पेपर पे, ठीक है। हम इसको रब बहुत करेंगे। रब करने का मकसद ये है कि इसके जो छोटे टुकड़े हैं ये हो जाएं, और जो सैफरॉन है अपना कलर देता जाए, ओरिजिनल सैफरॉन। क्योंकि कुदरत ने रंग भरे हैं इसलिए इसके हर कण में कुदरत छुपी हुई होती है, इसका जो छोटा सा हिस्सा है वो भी अपना कलर देता जाए। दो पत्तियां 1 लीटर पानी के लिए काफ़ी आता है, 1 लीटर पानी बहुत कलरफुल हो जाएगा। अगर आपने शाम को इसमें 2 पत्तियां डुबा दी, सुबह तक वो पूरा 1 लीटर कलरफुल हो जाएगा, गोल्डन येलो कलर, राइट। अगले दिन अगर आप फिर से पानी निकल के पियेंगे, फिर से डालेंगे, तो उसका फिर से कलर हो जाएगा, मतलब इसमें नेचुरल कलर बहुत ज़्यादा होगा, और इसके हर एक छोटे से हिस्से में अपना एक कलर निकलेगा। ये छोटा सा हिस्सा देखिए, इसमें से कलर निकलता है, ये छोटा सा हिस्सा देखिए, इसमें से अपना कलर निकलता है, राइट। अब मैं यही टेस्ट दिखाता हूँ आपको, डुप्लीकेट सैफरॉन को लेकर। ये उंगली में यूज़ करता हूँ, ये वाली, ये सैफरॉन रखा हमने, राइट। ये वो डेमोन्स्ट्रेशन है जो आम व्यक्ति दे सकता है। और भी लेते हैं, देखिए फिनिश, ये किस चीज़ का बना ये मुझे भी नहीं पता है, कौन सी चीज़ दे सकता है। टच करने से पता लग सकता है, टच करने से जैसे इनकी लीव्स को आपने उसको किया और इसको किया, टचिंग से हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप देख के भी पता चल सकता है, जैसे कि आप ये सैफरॉन की पत्ती देखिए, मुझे इसका कलर डिफरेंट लगा वैसे दोनों का ना। हाँ, कलर में नहीं है सर, जो कलर जिसने ये डाला है ना वो ये भी बना सकता है, मेरे पास तो एक ही वैरायटी है, वो कितने वैरायटी बनाते होंगे। कलर इज नॉट अ डिफरेंस बेसिकली, डिफरेंट इज व्हाट, जो इसके पीछे वाला हिस्सा है ये व्हाइट कलर का, ये गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं रखता हूँ। अगर हम इसको ऊपर से कलर मारते तो शायद ये पूरी की पूरी पत्ती जो है ये रेड कलर की हो जाती, एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि कुदरत का है जो है, इसका जो पिछले वाला हिस्सा है ये व्हाइट ही रहा है, क्योंकि उसकी डंडी सफ़ेद होती है जो हम काट देते हैं। तो पीछे वाली डंडी अगर हम देखेंगे तो अगर व्हाइट हुई तो इट मीन्स ये ओरिजिनल सैफरॉन है, इम्पोर्टेंट डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर हम इसको दांतों की, इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, हम दांतों के नीचे चबाएंगे इसको, नीचे ही बिटरनेस ऐसे कड़वा कड़वट आई तो, और इसमें कड़वाट नहीं है, थोड़ा मीठा है और अलग कोई चीज़ देता है। अगर हम इसको असल में एनालाइज करेंगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम डालेंगे केसर 204 में, इसका ब्लूश कलर होना चाहिए,
अगर कोई हटके कलर आ गया मतलब भी नहीं सकता, राइट। बट मैं ये टेस्ट दिखाना चाहूँगा जो हर साधारण व्यक्ति कर सकता है, दिस इज द आम लोग कर सकते हैं। सैफरन जब भी बॉक्स से खोलेंगे, जब भी खोलेंगे मार्केट से लाएंगे, पहला देखेंगे कि क्या इसका टेयर थोड़ा सा वाइट है, थोड़ा सा वाइट है। आप इसमें देखिए संजीत की सर्विस कैसे डीपली, यहाँ पे जो पत्ती हैं उनमें जो टेयर थोड़ा सा वाइट है, ये क्योंकि इसको ऊपर से कलर नहीं मारा गया है, इसको ऊपर से कलर मारा गया है, इसलिए पूरा का पूरा रेड कलर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है जो आम व्यक्ति मार्केट से देख सकते हैं, राइट। सेकेंड घर जाके अगर आपने उसमें ये वाली क्वालिटी देखी, फिर मतलब आपने बाजार से केसर अच्छा खरीदा है। आप रही स्टैंडर्ड क्वालिटीज की, कैसे देखें कि ये हाई क्वालिटी की नहीं है, वो आम व्यक्ति बेसिकली नहीं दे सकता है। एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव ऑलमोस्ट 20-25 साल की एक्सपीरियंस है, मैं देख सकता हूँ। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ माई फादर, मीन्स 50 साल की एक्सपीरियंस है, जो मैं बेसिकली ये चीज़ देख सकता हूँ इसमें कितना क्या मिक्सचर है। लेकिन आम व्यक्ति बेचारा ये नहीं देख सकता, वो घर में जाके इस तरह देख सकता है। बेस्ट एक सजेस्ट मैं ये करना चाहूँगा सबसे, जो हस्बैंड वाइफ है, अगर लगा कि वाइफ रिटेयर करती है हस्बैंड को, उनको सुबह 15 ग्राम शाम को 15 ग्राम दीजिए, वो शांत रहेंगी, लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी, फैमिली शांत रहेगी। अगर हस्बैंड तंग करता है, झगड़े करता है, तो उनको दीजिएगा 50 मिलीग्राम मॉर्निंग को, 50 मिलीग्राम शाम को, तो वो तंग करना छोड़ देगा और जो शांति से हमारी जो फैमिली रहेगी। सैफरन जो सैफरन है जो बहुत अच्छी क्वालिटी से बेस्ट क्वालिटी है, वो कश्मीर यानी कि पाम्पोर में निकलती है। पाम्पोर में टाउन है विच इज़ वेरी फेमस नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली, उसका नाम है पाम्पोर, जहाँ से सैफरन निकलता है। वर्ल्ड इज़ बेस्ट क्वालिटी सैफरन, वी डीलिंग विद दिस सैफरन एंड इज बेनिफिट्स आर ह्यूज, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो क्यों है बेस्ट, कौन सा चीज़ को बेस्ट बनाती है वर्ल्ड में, वो ये है कि ये 1600 मीटर से 1800 मीटर एबो मीन सी लेवल पर होता है। उसकी क्या क्वालिटी, उसकी ये क्वालिटी कि इसमें जो सैफरन होना चाहिए उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो नहीं, वो नीचे चला जाए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो उससे सैफरन बहुत अच्छा ग्रो होता है। फर्स्ट क्वालिटी सैफरन के कश्मीर की। सेकेंड, हमारे जो सैफरन है अबू सैफरन जो कश्मीर से हमारा है, अबू सैफरन की क्वालिटी है कि ये इसका जो एरोमा होता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में जो ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा है इसका एरोमा, राइट। और इसमें जो कलरिंग पावर है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज़ फेमस, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी जी। उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं केसर को यूज़ करने के? केसर इज कैन बी यूज फॉर एंटी डिप्रेशन, इट इज़ लो लिबिडो के लिए यूज होता है, सेक्सुअल डिजायर बनाने के लिए यूज होता है, जो डेली प्यूबर्टी उसके लिए यूज होता है, जो मेमोरी रिटेंशन के लिए यूज होता है, रिटेन इज़ द मेमोरी, राइट। इट इज़ अ फूड एडिटिव एज वेल, ये फूड में भी यूज हो सकता है, ठीक है। और इवन ये हमारी आई साइट को बढ़ा सकता है, कैटरैक्ट को एस्टिमेट करता है, और अंदर से जो है सेरोटोनिन बॉडी जो कुछ सर में होता है उसको भी एस्टिमेट करके हमारी मेमोरी बढ़ा सकता है। सर केसर का कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है, इसका किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं? हाँ, केसर का हमने जो ओरिजिनल डुप्लीकेट, पहले तो ये है कि अगर देखने से देखना है कि कौन सा अच्छा है, देखने से पता चलेगा कि जो सैफरन ओरिजिनल होता है इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, और जो बैग्स का होता है थोड़ा सा वाइटिश होना चाहिए, तो नेचुरल है। अगर पूरा का पूरा रेड है, मीन ऊपर से कलर मार के डुप्लीकेट बनाया गया है, तो ये देखने से हमें पता चलेगा। और अगर डेमोलिशन करना चाहेंगे तो दो सैफरन को पानी में डुबो के उसको रब करेंगे, अगर इमिजिएटली कलर दे दिया उसी को तो ख़त्म हो गया, वो डुप्लीकेट है। अगर वो कलर देता गया रब करते करते गया, जब कलर देता गया तो वो ओरिजिनल है। देखिए क्या है, जो हमारा सैफरन है उसका रेट वही होगा जो बेस्ट प्राइस है। बेस्ट प्राइस मीनस के 299-300 के बीच में अभी प्रेजेंटली की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी रेट फ्लक्चुएशन होती है, उसका हम यही रेट लगाएंगे जो ओरिजिनल के रेट बेसिकली है। ना कि ये कि अगर आप देखेंगे ऑनलाइन इसके रेट 5 लाख 6 लाख 7 लाख के बीच में है, बट हम डायरेक्टली फार्मर्स से लेते हैं और खुद भी कल्टिवेट करते हैं, इसलिए हमारा रेट जेन्युइन रहेगा, ओनली 299 रुपीज़ या 300 रुपीज़ पर ग्राम। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।